सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पाटन प्रखंड के नावा जयपुर थाना अंतर्गत के राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय दीपौवा में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा 73वां वन उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पाटन छतरपुर के विधायक पुष्पा देवी एवं पूर्व सांसद मनोज कुमार उपस्थित रहे। मौके पर स्कूल के बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया व स्वागत गीत गाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जनप्रतिनिधियों के द्वारा दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने एक एक कर पेड़ लगाने का काम किया। वहीं पर विधायक पुष्पा देवी के द्वारा बताया गया कि जैसे आज हम लोग अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधा का भी पालन पोषण करना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब भी एक पेड़ काटे तो 10 पेड़ लगाने का कार्य करे, तभी हमें शुद्ध वातावरण का हवा मिल सकता। वहीं पूर्व सांसद मनोज कुमार ने कहा कि हम लोगों को प्रण लेना होगा कि एक एक पौधा हम जरूर लगाएं, जिससे हम लोगों को शुद्ध हवा मिल सके। जिस तरह से आज देश में वातावरण दूषित होते जा रहा है, उसी तरह आज हम एक पेड़ लगाएंगे तो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण मिल सकता है। वहीं पर वन विभाग के पंचम दुबे ने कहा कि आप लोग भी अपने घर में एक एक पेड़ जरूर लगाएं और उजड़ते हुए वन को आप लोग बचाने का कार्य करें। मौके पर उपस्थित थे नवा जयपुर के थाना प्रभारी संजय कुमार रजक, पाटन प्रखंड के प्रमुख शोभा देवी, पूर्व जिला परिषद नंद कुमार पासवान, विधायक प्रतिनिधि पाटन संजय कुमार सिंह, पाटन मंडल अध्यक्ष संजय सिंह एवं किशनपुर प्रतिनिधि अशोक तिवारी, रूडीदी पंचायत के पूर्व मुखिया टीपी मेहता, कस्बाखाड़ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हरेंद्र सिंह, महुलिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रोहित कुमार, नवा खास के पूर्व मुखिया चंद्रदेव सिंह एवं कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे। पाटन से ऋषि सिन्हा की रिपोर्ट। जनता लोग से यही कहेंगे कि तीस्थ है वनों पर ही टिका हुआ है। जिस तरह धरती पर जीवन जीने के लिए जल और वायु की आवश्यकता है, उसी प्रकार पेड़ होना जरूरी है। पेड़ हम इतना जनता लोग से कहेंगे कि एक पेड़ अगर काटते हैं तो 10 पेड़ लगाएं ताकि आप अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकें। यह द्रुत गति से वन एवं वन प्राणियों को हो रहे हरास को के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने का यह प्रत्येक वर्ष करने के लिए यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह वन महोत्सव सर्वप्रथम 1950 में तत्कालीन वन मंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया था और यह आज भी हम लोग कोशिश करते हैं और ग्रामीणों से अपील करते हैं, हर बार ग्रामीणों का याद को तरोताजा करते हैं कि वन है तब जीवन है, अगर वन न होगा तो जीवन भी हमारा उसी तरह होगा जैसे प्राण के बिना शरीर। इसलिए वन एवं वन प्राणियों का सुरक्षा हेतु हम लोग जो है सो यह पर्व प्रत्येक वर्ष मनाया करते हैं। तमाम जो लोग हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं इस विषय पर? हम यहाँ के तमाम लोगों को यह जागरूक करते हैं कि अगर अपनी वन तो वन है ही, अगर अपनी रैयती भूमि से भी अगर पेड़ काटते हैं तो एक पेड़ के जगह पर कम से कम 10 पेड़ लगावें, क्योंकि एक पुत्र के बदले 1000 पुत्र पेड़ हो जाते हैं। क्योंकि पुत्र कभी अपने जीवन काल में धोखा दे सकता है लेकिन पेड़ कभी धोखा नहीं दे सकता, वह जन्म से लेकर अंत तक वह जो लगाता है उसे नहीं बल्कि पूरे पथिक को भी आराम देता है। इसलिए पेड़ लगाना आवश्यक है। हम अपील करते हैं यहाँ के लोगों तो से कि पौधा को लगावें और वन को बचावें। इस वन उत्सव के मतलब है कि आज हम लोग वन उत्सव मना रहे हैं और हम कहना चाहती हूँ अपना जितने हमारे क्षेत्र के हैं भाइयों बहनों जो माताएं, यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम पेड़ लगाते
तो पेड़ लगाते हैं तो हमको पेड़ लगाने का मतलब ये है कि हम जिस तरह के अपना बाल बच्चा के पालन पोषण करते हैं उसी तरह आज ही पौधा हम लगा के और उसका हम सेवा करेंगे। और इस पौधा प्रदूषण से रोकता है और पेड़ सब कटा जाता है, प्रदूषण आप देख रहे हैं कि कितना फैल रहा है, आदमी का कितना मौत हो रहा है, ऑक्सीजन है एक तरह से पौधा लगाना। और ये पौधा ही जीवन है, जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। तो पौधा हमको लगाने से एक खुशी होता है कि हम लोग एक नहीं हम 10 पौधा लगाएं और इसको हम सुरक्षा करें। और सारा चीज़ में आप देखते हैं कि हर काम में ये पौधा काम आपका आता है। तो इतना ही हम सबसे आग्रह करती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी अगर एक पौधा काटते हैं तो आप 10 पौधा लगाइए, उसको सुरक्षा करिए। और देखिए हम लोग का दिनों दिन समय पार होते जा रहा है आप देख रहे हैं। लेकिन आगे भविष्य के लिए हम कहना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे लोग हैं, आज हम सारा पौधा काटते जा रहे हैं, प्रदूषण फैलते जा रहा है और बारिश नहीं हो रही है, आप देख रहे हैं अकाल हो गया पूरा, ये पलामू में पूरा अकाल हो गया, किसान लोग हैं पानी बिन तरस रहे हैं, धान के बुआई नहीं हुआ है इस क्षेत्र में।